नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में कलेक्टर सरोवर सोमवंशी के निर्देशन में राजस्व विभाग व नगर पालिका विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में जिला मुख्यालय के गांधी चौक विनोवा मार्ग में शासकीय जमीन पर कब्जाधारियों के चबूतरे एवं सेट को मौके से हटाया गया है। विनोवा मार्ग स्थित मेन रोड पर अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी एवं रोड पर आवागमन बाधित हो रहा था, जिसे संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही की गई है। वही विनोवा मार्ग के व्यापारियों ने बताया कि हमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई एवं हमारे चबूतरों एवं सेट को मौके से हटा दिया गया है, जिसके कारण हमारा व्यापार प्रभावित हुआ है। इसके पहले भी अतिक्रमण हटाया गया था और आज फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि हम सभी स्थानीय लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि बार बार अतिक्रमण कार्रवाई न की जाए, हमें एक बार चिन्हित स्थान बता दिया जाए जहाँ हम स्थिर तौर पर रह सकें। वही बांधवगढ़ तहसीलदार दिलीप सिंह एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी शशि कपूर गढ़पाले ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई की गई है एवं स्थानीय लोगों से अपील की जाती है कि रोड में सामग्री रखकर अतिक्रमण न करें, जिससे लोग प्रभावित होने से बच सकें। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। अतिक्रमण हटा रहा, बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा न चूना डाला गया, न कुछ डाला गया, टेढ़ा मेढ़ा चूना डाल के अतिक्रमण हटाते हैं और अतिक्रमण हटाने के बाद सीधे चले जाते हैं। तो इधर पलट के देखते भी अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि शहर के मुख्य मार्ग में आवागमन से संबंधित समस्या होती है। दुकानें रोड पे लगाई जाती है, नाले रूप में अतिक्रमण कर लिया गया, तो उसके तहत आज नगर पालिका की टीम और राजस्व की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है। हमारे कलेक्टर महोदय का निर्देशानुसार नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए गए हैं उनको हटाने का निर्देश दिया गया है। उन्हीं के निर्देशानुसार अपन नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए गए हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई शुरू है और धीरे धीरे सभी का अतिक्रमण हटाया जाएगा जितने अतिक्रमण किए गए हैं। जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है तरीके से नहीं हटाया जा रहा, इसकी एक नाप नहीं है कि हमको कितने फीट चौड़ा किस तरफ लेना है। जिसके आगे जो दुकान बनी हुई है उसको छोड़ के जिसके पीछे से उसका भी हटाया जा रहा है। इसकी नाप करें और एक बराबर से तोड़ें, नाजायज तरीके से तोड़ा जा रहा है। लोगों का कार्य स्थायी ढंग से कर दें, बार बार परेशान न करें। ये दो महीने चार महीने से करें आगे, फिर खोदना हटाना फिर चले जाना, यही चल रहा है। चार महीने पाँच महीने पहले अतिक्रमण हुआ, फिर तोड़ा गया, व्यापारी को परेशान किया, धंधा प्रभावित होता है। चार महीने बाद फिर से यही किया जा रहा है। जिनको जो भी करना है एक बार नाप जोख करके एक स्थायी नाप बता दें कि आप इसके आगे अपना दुकान सेट कुछ नहीं करना, ताकि आदमी निश्चिंत होकर अपने शांति से व्यापार कर सके। लेकिन यह अतिक्रमण किस मस्जिद तक ही चलता है, उसके आगे प्रक्रिया सब शांत हो जाती है, ऐसा क्यों? अगर तोड़ना है तो एक तरफ से सबको तोड़ो। यहाँ पर वैसी ही पूरी चौड़ी जमीन है, मोटरसाइकिल पर निकलते बड़े वाहन निकलते हैं कि चलो बड़े वाहन निकलते हैं, जाके आगे परेशानी होती है, कार्रवाई वहाँ तक होती ही नहीं है। मस्जिद तक जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो यही कहना चाहता हूँ कि एक मापदंड हो जिसमें दोबारा यह अतिक्रमण न हटाया जाए, वहाँ से अपन व्यापारी अपनी व्यवस्था कर ले। हमारा कहना यह है कि ऊपर जो लगा हुआ शेड है वहाँ ना आपको सड़क बनानी ना वहाँ आपको नाली बनानी है। व्यापारियों का हक है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करें, पानी से, बरसात से, धूप से कैसे रखेंगे। तो ऊपर का सेट मैं कहता हूँ न तोड़ा जाए, ये मनमानी नहीं चलेगी। नंबर एक, नंबर दो, ये नगर पालिका की जमीन ही नहीं है, ना नजूर की जमीन है, ये देसुपज मंडी उमरिया को ट्रांसफर है ये जमीन। यहाँ ना नगर पालिका का अधिकार है ना नजूर का अधिकार, लेकिन यहाँ मनमानी चल रही है। कांग्रेस का जब से राज आया है तब से मनमाना काम हो